मैंने अपने राणा के लिए किया है, अपने रिया के लिए किया है। मैं थक गई थी पैसों की तंगी सह सह के, पैसे पैसों की मोहताज होकर। मैं किसी को तो समझदारी दिखानी पड़ती ना, जैसे मैंने अपनी नौकरी के समय दिखाई। राणा को अच्छा नहीं लगता जी, जैसे आज अच्छा नहीं लगा। सच में बीजी, मैंने ये सब कुछ सबके भले के लिए किया था। चल चल मेरे साथ चल। कहाँ जाना? चल चल, मुझे कहीं नहीं जाना है। अब बोला ना, चल बीजी। क्या वो काफी इमोशनल आप भी दिख रही हैं, निमृत भी दिख रही है, काफी रोने धोने वाला सीन क्या है? हाँ, क्योंकि निमृत ने काम ऐसा किया है कि उसने हवेली पहले तो वो अपने नाम करना चाहती थी, और जब उसकी पोल खुल जाती है तो वो मान पे ब्लेम लगा देती है कि मान ने अपने नाम करवा ली है, और ये भंडा फूट जाता है, अमृता फूट देती है। तो वो जैसे हम सबको पता चल गया है कि ये सब करतूत जो है, ये जो काम किए हैं वो निमृत ने किए हैं। तो बस वो गिल्टी फील कर रही है, और मैंने उसको संजोत का जो नेचर है मदर इंडिया कि उसने अपनी बहू को भी बेटी मानती है, तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई कि जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया था, बेटी समझ के मैं सोचती थी मैंने उसको कोई दुख नहीं दिया, और वो उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर गई। तो अभी हमारा जो सीन था वो इसी उस पर था, और वो मुझसे माफ़ी मांग रही है। निमृत ने जो रो रो के आपको बताई है स्टोरी की, मतलब मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ या जो भी, राणा का बिजनेस वगैरह नहीं चलता है, मैं वो आपको कहाँ तक एकदम मतलब सच्चाई लगती है या ड्रामा टाइप में या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ये सच्चाई है जो वो बोल रही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा बेटा राणा जो है ना, वो उसमें जो मान में कॉन्फिडेंस था बचपन से, वो राणा में कभी भी नहीं था। और राणा जो है थोड़े वीक हैं हर चीज़ में उनका, कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं करता था। तो ये तो माँ बाप को पता ही होता है कि बच्चा वीक है उनका, और ऊपर से फिर वो अलग हो गया, और ये सच है कि वो कुछ नहीं कर पाया होगा और यही काम करती होगी। तो संजोत उस पर विश्वास करती है, लेकिन उसको वही दुख होता है कि जो कुछ भी था मैंने बेटी बनाया था, तो मुझे बताती, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करती, मैं मदद करती कुछ भी, ये दुख था उसको। और फिर ये दुख था कि अब इसने इसकी वजह से इतना बाप बेटे में गलत फहमियों की वजह से फिर से जो थोड़ा बहुत नज़दीक आए थे होली में, अब वो फिर से वापस दूर हो जाएंगे, ये संजोत का दुख था। कहीं ना कहीं ये चीज राणा को भी पता चल गई है, और वो आए और निमृत एकदम डर गई है, क्या है? तो राणा को पता चलता, राणा को पता था, और उसको जब देखता है कि उसकी बीजी रो रही है, और सब चीज़ इसने हमारे पूरे परिवार को हिला के रख दिया, तो वही मान राणा आता है उसको ये कहने के लिए कि तुम बहू जी को दारजी को ये सारी बातें बताओ, और नहीं बताओ कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। एक जो मर्दों का रौब होता है, जब अपने पे के छोड़ाऊँगा, मायके छोड़ाऊँगा, तो वो थोड़ा वो, हालांकि वो हर्ट भी बहुत हुआ है कि उसकी बीवी ने ऐसा काम किया, क्योंकि राणा दिल का बुरा नहीं था। बीजी बचाएंगी निमृत को? हाँ जरूर बचाएगी जी, संजोत का तो किरदार ही ऐसा है। बीजी के रोल को फैंस काफी पसंद करने लगे हैं, उस फैंस के लिए जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरा इसी तरह मनोबल बढ़ाते रहे, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ, हर सीन करने से पहले मैं डरती हूँ। इतना खूबसूरत लिखा होता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं उसका मैसेज आप तक पहुंचा पाऊंगी कि नहीं पहुंचा पाऊंगी, आप मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब अच्छा लगता है जब आप मुझे ये बात कह रहे हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी तसल्ली होती है। क्या किया मैंने, वो सब देख रहे हैं, लेकिन मैंने ये क्यों किया? शादी कितने साल हो गए, लेकिन देखो मैं सिर्फ दो बार मायके गई हूँ। सरकारी नौकरी लगी थी मेरे डैडी जी की जिस साल हमारी शादी हुई थी, मना कर दिया, चंडीगढ़ जो जाना पड़ेगा। जाई जी और बहू जी ने बहुत मेहनत की, शहर जाके नौकरी कर ले। समझती हूँ आपकी सारी दुविधाएं, समझती हूँ बीजी, लेकिन ये सब मैंने अपने राणा के लिए किया, अपने रिया के लिए किया। मैं थक गई थी पैसों की तंगी सह सह के, पैसे पैसों की मोहताज होकर। मैं किसी को तो समझदारी दिखानी पड़ती ना, जैसे मैंने अपनी नौकरी के समय दिखाई।
नाना बहुत खिलाफ थे, बुरा लगता जैसे आज बुरा लग रहा है, लेकिन सच में दीजिए मैंने सबके भले के लिए ही किया था ये सब। और माँ पूरी ही छुड़वा दे मुझे, कहा हमारे पास हवेली है, जमीन है, फिर हम जगह जगह जाके क्यों धक्के खाएंगे। अब कुछ छुपाने के लिए नहीं है, एक तरफ मेरा चेहरा देखो, आंखों के नीचे काले गंडे देखो, रात भर उस कॉल सेंटर में काम करके मैं थक गई हूँ, मुड़ जा गई हूँ मैं, नाना को अच्छा नहीं लगता जी, जैसे आज अच्छा नहीं लगा। सच में बीजी मैंने ये सब कुछ सबके भले के लिए किया था। चल 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 मेरे साथ चल। कहाँ जाना? चल चल, मुझे कहीं नहीं जाना है। अब बोला ना, चल बीजी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.